क्या आप भी बनवाना चाहते हैं ऐसा डीजे गाड़ी? बेफिक्र रहिए, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि यह गाड़ी कितने में तैयार होगा और कहां पर बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन यादव और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आरडीजे सपोर्ट पर। सो बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पूरा गाड़ी एक एक करके दिखा दिया है घुमा करके, अभी आपको इस गाड़ी के अंदर का पूरा लुक हम दिखाएंगे कि कहां पर एम्पलीफायर रखेंगे और जनरेटर रखने का सब कुछ इसी के अंदर ही पूरी व्यवस्था है। चलिए वीडियो में आपको हम पूरा अंदर का लुक दिखाते हैं, उसके बाद पूरी डिटेल देंगे कि ये कहाँ पर बनेगी और कितने रुपये में ये कम्प्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप गाड़ी के अंदर का लुक दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए ये एम्पलीफायर रखने का ये फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पर आप बहुत सारे एम्पलीफायर लगा सकते हैं, नज़दीक से दिखाएंगे आपको। देखिए ये यहाँ पर इसमें बहुत सारे एम्पलीफायर रख सकते हैं और देख रहे हैं आप पूरी तरह से यहाँ पर हवा में रखे रहेंगे, एम्पलीफायर में कोई हीट नहीं होगा। और दूसरा, यहाँ पर मैंने मिक्सर रखा है ये यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे कि ये सेकेंड फ्लोर है, यहाँ पर हम एम्पलीफायर रख सकते हैं। जैसा कि कॉम्पिटिशन में हमारा गाड़ी लगा है तो यहाँ पर आप एम्पलीफायर रख सकते हैं, बहुत सारे एम्पलीफायर आ जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा जगह है, देखिए ये बहुत बड़ा मिक्सर है, लेकिन देखिए यहाँ पर कितने कम जगह में आया है और फिर भी इतनी यहाँ जगह छूटी, यानी कि बहुत बड़ा एम्पलीफायर भी यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। और बात करें इसकी खासियत क्या है कि ये गाड़ी के बीचों बीच में एकदम बना हुआ है, तो इसमें आपका गाड़ी का बैलेंस अच्छा रहेगा। अगर पीछे लोड ज़्यादा करते हैं आप तो भी गाड़ी आपका उठेगा नहीं आगे से, ठीक। और अभी दिखाएंगे आपको, यहाँ देखिए ये आपका यहाँ पर बॉक्स लगाए गए हैं जो 15 इंच और HF और ये ऊपर 12 इंच लगाए गए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर अंदर यहीं पर आपका जनरेटर लगा हुआ है। और इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 4-12 इंची आगे लगाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखिए इस गाड़ी में यही लाइट लगा के रखी है, जो हमारी रिंगा वाली लाइट होती है, मतलब कि यहाँ पर कुछ डिजाइंस चला करते हैं कलर्स उस LED के थ्रू। और अभी आपको गाड़ी के जो ड्राइवर सीट है, जहाँ पर ड्राइवर चलाता है, वो कैसी व्यवस्था है यहाँ पर से, वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो ये देखिए यहाँ पर ये ड्राइवर के लिए सीट है, यहाँ से आसानी से ड्राइवर आगे देख सकता है। आप देखिए सब कुछ बराबर दिख रहा है, ड्राइवर कुछ ऐसा देख पाएगा यहाँ से, ये ऐसा करके है। और अभी आपको हम पीछे का भी सीन दिखा दें कि पीछे कैसा दिखता है ये। तो ये पीछे का लुक आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरे जाल में आप यहाँ लाइट भर सकते हैं, पूरे जाल में। यहाँ हमने केवल 6 पीस लाइट लगा के रखा है और आपको HF भी दिख रहे होंगे। और नीचे साइड में आप देखिए यहाँ हमने HF लगाए हुए हैं, जो कि सेंटर स्पीकर्स वाले हैं, ठीक। तो इतना आपने देखा। और अभी आप फिर से इसका गाड़ी का लुक देखिए, यहाँ पर ये आपको ये पोस्टर दिख रहे हैं जहाँ पर ये पावर जोन लिखा हुआ है। ये गाड़ी कभी जल्दी से पुराना नहीं दिखेगा, जैसे ही आपको ये पुराना दिखने लगे तो आपको करना क्या है, सीधे से ये जो पोस्टर है ये पोस्टर आप उखाड़ दीजिए और नया पोस्टर लगा दीजिए, तो आपका जो है तुरंत ये गाड़ी पहले जैसा नया ही दिखने लगेगा, कोई अंतर नहीं दिखेगा। अगर और कोई मॉडल होता है तो उसमें, अगर एक बार पुराना हो गया तो भाई उसमें अगर कांच से बना है तो उसका कांच बदलने में बहुत सारा खर्च आता है, लेकिन इसमें कोई खर्च नहीं आता। 2500-2000 रुपये में पोस्टर चेंज हो जाते हैं इसके, तो एकदम नया दिखेगा एकदम। ये आगे का लुक आप देखिए, ये ऐसा दिखेगा ये पूरा, ठीक है। तो अब इसके हम रेट की बात करें कि ये कंप्लीट कितने में होगा, तो जैसा कि हमने मैन्युफैक्चरर से बात किया था जो इन गाड़ियों को बनाते हैं,
तो उन लोगों ने इसके विषय में बताया था करीब ये 70,000 रुपये में आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और इसका लोकेशन जो है ये हदगाम के पास आरा मशीन पड़ता है, अगर गूगल मैप में सर्च करेंगे तो आपको शाहपुर के नाम से दिख जाएगा, तो वहाँ जाके इसे आप बना सकते हैं। और ये मैंने आपको स्क्रीन में इसका कार्ड दे दिया है, ठीक। इस कार्ड में सारे नंबर हैं उनके कारीगर्स के, तो इनसे भी आप कांटेक्ट ले सकते हैं, इससे आसानी से आप बनवा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो डीजे और म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े हुए हम समय समय पर इस चैनल में लाते रहते हैं। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की गई मिस ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।